गाइस वेलकम बैक। माय नेम इज सी एस शांतनु भंडारी एंड आज मैं आपसे एक और टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मुझे कुछ फीडबैक मिल रहा है और उसी से रिलेटेड मैं चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है, चाहे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या मे बी यूट्यूब चैनल पे, उनका फीडबैक है कि प्रोफेशनल को लेके तो सर आप बहुत बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव और फाउंडेशन आई थिंक ऑलमोस्ट निल के बराबर आपने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव के लिए तो बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं अपलोड किया, कुछ नहीं बताया सच बहुत ज़्यादा। सो आज आई थिंक उसी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए, बिकॉज आई रियली स्ट्रांगली बिलीव ऑन फीडबैक एंड एज आई सेड, जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है, आज उसी के टॉपिक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं सी एस फाउंडेशन को, वो स्टूडेंट्स जो अभी डेफिनेटली सी एस फाउंडेशन में हैं या जिन्होंने सी एस में रजिस्ट्रेशन कराया, ये वीडियो डेफिनेटली उनके लिए है। बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो इसको जरूर ध्यान से सुनिए। जो चीजें मैं फाउंडेशन में कर रहा हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर आपका मुझे सपोर्ट रहा तो मैं यही चीजें एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में तो डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा। प्रोफेशनल में द गुड न्यूज इज स्ट्रांगली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टूडेंट्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स रियली अ बिग थिंग फॉर मी। ऑनलाइन लेक्चर्स भी अब डेफिनेटली मैं सेल आउट कर रहा हूँ अपने, एंड वो स्टूडेंट्स ले भी रहे हैं, सो दे आर गिविंग देयर लव एंड अफेक्शन टू मी। आज फाउंडेशन के बारे में मैं बात आपसे करूँगा। सो आई थिंक देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली फाउंडेशन में क्लासेस लेते भी हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं भी लेते हैं, बिकॉज शायद वो मे बी बी कॉम से डायरेक्टली फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव में नहीं जा रहे, जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, या एनी रीजन हो सकता है कि वो बिजी हैं या फाउंडेशन उनको बहुत ईजी लगता है, तो एनी नंबर ऑफ रीजन की वजह से हो सकता है वो क्लासेस नहीं ले रहे। तो जो लोग क्लासेस ले रहे हैं और जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं, दोनों के ऊपर ये वीडियो इक्वली एप्लीकेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी तरफ से आपको कुछ चीजें दूंगा विच विल बी रियली रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर सी एस फाउंडेशन स्टूडेंट। तो यूजली आप देखते हैं कि जो ICSI का स्टडी मॉड्यूल है, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कोचिंग वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं एंड विदाउट कोचिंग वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं। सो जो लोग कोचिंग करते हैं डेफिनेटली उनकी कोचिंग से कुछ मॉड्यूल्स या बुक्स प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि एट टाइम्स अपडेटेड होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी कोचिंग है। और जो नहीं करते हैं वो डेफिनेटली ICSI के मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ICSI के मॉड्यूल भी वही पोजीशन है, अपडेटेड होते भी हैं बहुत बार अपडेटेड नहीं भी होते हैं। सो आई थिंक इसी चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ CS स्टूडेंट्स, मैं एक MCQ कह दीजिए या आप ऐसे कह दीजिए टेस्ट पेपर लॉन्च करूंगा। ये ऐसा होगा जिसमें आपको लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, जो भी चार सब्जेक्ट्स हैं, जब व्हेन आई से लॉ इट मींस पूरा लॉ है, उसके साथ दो तीन और उसके सब डिविजन है, जैसे मैनेजमेंट है तो उसके साथ भी उसके सब डिविजन है, इकोनॉमिक्स है तो उसके साथ स्टैट्स है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है तो उसके साथ ऑडिट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी MCQs जो है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा फॉर CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स। वो कहीं से भी क्लासेस ले रहे हों या क्लासेस ना भी ले रहे हों, तो इन MCQs का यूज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अपनी कैलिबर जो है, स्केल्स जो है, उनको इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये याद दिला दूं कि इन MCQs जो है इसके अंदर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक डेफिनेटली 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ऑल टुगेदर, चारों सब्जेक्ट्स को मिला लूं अगर मैं, तो मैं कह दूं कि 1.5 या 2000 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं शायद इसके आसपास होंगे, एग्जैक्ट नंबर डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, बट 1500 प्लस आप क्वेश्चंस मान लीजिए चारों पेपर्स मिला के। द की टू पास एनी MCQ इज प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आई थिंक आप इजीली CS फाउंडेशन को क्लियर कर पाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि CS फाउंडेशन बहुत इजी है, तो आई थिंक बहुत सही सोचते हैं, वो इजी है बट क्यों ना ऐसा करें। अगर आप इजी सोचते हैं तो एक स्टेप और आगे सोचें, ये सोचें कि मैं रैंक कैसे ला सकता हूं या कम समय में कैसे बेटर यूटिलाइजेशन टाइम का मैं कर सकता हूं। सो आई थिंक MCQ इज द बेस्ट चॉइस, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि CS के लिए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे स्कैनर्स भी अवेलेबल होते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप CS फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं जो स्कैनर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सभी को पता है कि CS फाउंडेशन का कोई भी
किसी भी तरीके का पेपर इंस्टीट्यूट किसी को देता नहीं है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो भी लोग स्कैनर्स बना के बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, वो ये कैसे बताते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था? क्योंकि पेपर तो किसी को मिलता ही नहीं है, ICSI की वेबसाइट पे भी कोई पेपर नहीं होता। तो जो स्कैनर लोग बनाते हैं वो भी किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि जब कोई पेपर दे के आया कि आपके पेपर में क्या आया, और पता नहीं वो स्टूडेंट को सही याद होता है नहीं याद होता, वो एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन बता देता है। तो हम किसी तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जगह क्या है कि ICSI की वेबसाइट एग्जीक्यूटिव में मैंने पेपर खोला, स्कैनर देखा तो क्वेश्चन मिल जाएगा मुझे, बट फाउंडेशन में हमें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। सो आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो स्कैनर है, बिकॉज वो थोड़ा गलत नाम होगा, बट डेफिनेटली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन है। एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट में आपको ये प्रोवाइड करूंगा, और बहुत जल्दी। सो आई थिंक अभी तो नहीं, बट बहुत जल्दी जून में आपका पेपर है। अब नेक्स्ट तो डेफिनेटली फेब्रुअरी एंड तक ये तैयार हो जाएगा, सारी सब चीजें तैयार है मेरे पास, बट थोड़ा सा और काम उसमें करना बाकी है, तो वो भी आई थिंक अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो एग्जीक्यूटिव के लिए होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी कुछ पेपर्स हैं जो OMR शीट बेस्ड हैं। सो आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट इन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव के लिए एज सच कुछ नहीं कर रहा हूँ, फॉर विच आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उनके लिए भी कुछ करूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा हूं, फाउंडेशन के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं, और डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव इज नेक्स्ट थिंग जो मुझे करना है। सो आई थिंक ये जो MCQs होंगे इनका फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज भी अगर आप ये MCQs नहीं परचेज करते हैं या आप MCQs नहीं लेना चाहते, सो माई सजेशन इज कि जो भी बच्चे फाउंडेशन में हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव में हैं, दोनों पे ये बात एप्लीकेबल होगी। जितने ज्यादा वो MCQ सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी बुक के हों, किसी भी फैकल्टी के हों, प्रोवाइडेड उनमें आंसर्स जो हैं वो ठीक हों, तो आई थिंक उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हम ये सब जानते हैं, मैं फाउंडेशन की अगर बात करूं कि 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स के अंदर हमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो आप इस तरीके से कैलकुलेट करें तो 1 मिनट में आप कह दीजिए कि एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम मिलता है हमें, और आई थिंक वो हम तभी सही से कर पाएंगे, विदाउट प्रेशर कर पाएंगे, रैंक की तरफ बढ़ पाएंगे, पासिंग मार्क्स अच्छे ला पाएंगे, अगर हम राइट अप्रोच फॉलो करें। सो आई थिंक मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से यूट्यूब जब मैंने चैनल बनाया, आज आपके सपोर्ट से आई थिंक आई स्टार्टेड ऑब्वियसली विद 1 सब्सक्राइबर और मे बी 10 सब्सक्राइबर, आज वो कुछ 400+ सब्सक्राइबर्स हैं, सो ऑल थैंक्स टू यू। बट मैं YouTube पे किसी भी तरीके के मॉनेटरी इनकम के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं स्टूडेंट्स का मैक्सिमम वेलफेयर में काम कर सकूं, और ये उसी के लिए एक स्टेप है। तो डेफिनेटली एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा, अगर नहीं भी, दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जितने MCQs आप सॉल्व करें कर सकें उतने करिए, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। आने वाले दिनों में मैं और बहुत सारी चीजें आपके सामने लेके आऊंगा, जो नए नए जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ वो सब चीजें के बारे में आपको बताऊंगा। बट टिल देन आई थिंक ये अपडेट CS फाउंडेशन के लिए था। नेक्स्ट इज समथिंग जो मैं CS एग्जीक्यूटिव के लिए करना चाहता हूँ, और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे ज्वाइन नहीं किया है, सो यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एंड ऑल्सो काफी सारी और वीडियोज हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, प्लीज डोंट फॉरगेट, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है एज टू व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो, और व्हाट आर योर क्वेश्चंस और व्हाट आर योर क्वेरीज, तो मुझे जरूर बताइए, मुझे जरूर लिखिए, सो दैट आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। और बहुत ही जल्दी, आई थिंक आई कैन नॉट रियली प्रोमिस एनी डेट, बट बहुत ही जल्दी मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूँ। लाइव सेशन नॉट ओनली थ्रू ईमेल्स, मैं भी सामने होऊंगा, आप भी अपने घर पे फोन पे होंगे, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं उस ड्यूरेशन में लाइव सेशन के दौरान, और CS से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आप CS करना शुरू कर रहे हो या कहीं बीच की स्टेज में हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, एंड देयर आफ्टर आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई कैन। सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, डू वेट फॉर द लाइव सेशन, बहुत जल्दी आने वाला है वो, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, आई शिल सी यू वेरी सून।